शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नुशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी एनी शेयर कर रही है। एनी कहती है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने अपना घर सेल आउट किया तो हम लोगों को वक्ती तौर पर कोई घर रेंट के लिए चाहिए था। हम लोगों को कोई भी घर नहीं मिल रहा था। हम लोग दो फैमिलीज़ थी, हम लोगों के छोटे चाचू भी हम लोगों के साथ ही रहते थे, तो घर हमें बड़ा ही चाहिए था। उन दिनों में हम लोगों को पता चला था एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग थी वो खाली हुई हुई थी। काफ़ी अरसे से वो स्कूल शिफ्ट हो गया था और रीज़न ये बताई गई थी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स पूरे नहीं आते थे, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए वो बिल्डिंग उन लोगों ने खाली करवा ली। हम लोगों ने वो घर ले लिया। वो डबल पोर्शन में ही था, डबल स्टोरी था। नीचे वाले पोर्शन में हम लोगों के, ऊपर वाले पोर्शन में जो हम लोगों के चाचू की फैमिली थी वो लोगों के। तो हम लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अभी हम लोगों को वहाँ पर रहते रहते 2 से 3 दिन ही हुए थे, बामुश्किल अभी सामान वगैरह सेट हुए थे। तो अक्सर कमरों में वहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड भी बने हुए थे। पुराना स्कूल था, वाइट बोर्ड तब नहीं थे, ये ब्लैक बोर्ड ही बने हुए थे एक दो रूम्स के आगे, तो हमने उनके आगे पर्दे लगा दिए, वो अच्छे नहीं लगते थे। वहाँ पर उस घर में हमें कुछ अजीबोगरीब मामलात शुरू हो गए एकदम से ही हम लोगों के साथ। जब ये रात का टाइम होता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे वहाँ पर कोई चलता फिरता है। वो आहटें इतनी क्लियर होती थी, कभी लगता था पाँव में जूती पहनी हुई है, कभी लगता था कि कोई नंगे पाँव है और वो बाकायदा चलता फिरता है। सर्दी का मौसम था, हम लोग सर्दियों में ही शिफ्ट हुए थे। हम लोग अपने कमरों में होते थे, मैं, मेरी बहन, हम लोग एक रूम में होते थे, भाइयों का अलग रूम था। नीचे वाले पोर्शन में भी 4 रूम थे, एक ड्राइंग रूम हमने सेट किया हुआ था। अम्मी अबू अपने कमरे में होते थे, खुली जगह होने की वजह से सबको अलग अलग कमरे मिल गए। हम लोग ये समझते थे कि शायद कोई और फैमिली मेम्बर होगा, वो चल फिर रहे होंगे। तो एक रात की बात है, मेरी चची की बहुत ज़्यादा ऊपर से आवाज़ें आ रही थी जैसे वो किसी को डांट रही है। रात 11:30 बजे का टाइम था। हम लोगों ने भी आवाज़ें सुनी। हम दो, मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग उस टाइम बरामदे में ही बैठे हुए थे। उसके आगे एक बहुत बड़ा बरामदा भी था सेहन के आगे, बिल्कुल छोटा सा गैप था जहाँ से आसमान नज़र आता था, जो सेहन में रखा हुआ था गैप। तो मैंने पूछा चची से, क्या बात है आप? वो अपनी बेटी को डांट रही थी। तो चची ये कहती है, किसने मुझे सोने नहीं दे रही, जिस टाइम की मैं कमरे में आकर लेटी हूँ ये बार बार कमरे में आती है, चलती फिरती है, और मैं इसको 2 से 3 दफ़ा मना कर चुकी हूँ। वो बार बार ये कह रही थी कि मैं कमरे में नहीं आई, लेकिन उसकी अम्मी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी चची की एक ही बेटी थी, वो बार बार कह रही थी मैं अंदर नहीं आई। उसकी अम्मी बार बार ये कह रही थी, अगर तुम अंदर नहीं आई तो अंदर कौन आया, फिर और घर में कौन है, और तुम हील वाली शूज़ पहन कर तो तुम इतना शोर मचा रही हो यहाँ पर। वो अपने कमरे में थी जबकि, अब अजीब सी बात थी। खैर, अपने चची को समझाया, वो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फिर वो सोने के लिए कमरे में चली गई। उनकी जो बेटी थी वो हम लोगों के पास नीचे आ गई, वो कह रही थी मुझे नींद नहीं आ रही। हम तीनों जो थी, हम लोग जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई, बातें करने लग गई। थोड़ी ही देर के बाद फिर चीखों पुकार शुरू हो गया। चची बहुत ज़्यादा डांट रही थी हमारी कज़न को।
अब जब हमने चाची की दोबारा आवाज़ें सुनी, हमने कहा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग ऊपर जाते हैं। जैसे ही हम लोग ऊपर गए तो उनकी आंखें इतनी रेड हुई हुई थी गुस्से से। वो ये कह रही थी कि इसे शर्म नहीं आती, इसको मैंने पहले भी समझाया, ये मुझे फिर तंग कर रही है, अभी मैं आकर सोई हूँ तो इसने फिर वही काम शुरू कर दिया है, यहाँ पर चल फिर रही है, हर 2 मिनट के बाद आकर मेरे सर पर खड़ी हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया इसने। हम लोगों ने चाची से ये कहा, ये तो उस वक्त की हमारे पास से यहाँ ऊपर तो ये आई ही नहीं। वो कहती है, तुम लोग भी इसके साथ मिली हुई हो, जब मैं गुस्से में आई हूँ तो ये दरवाजे में जाकर खड़ी होगी और मैंने इसको बाकायदा जूता उठाकर मारा है, वो देखो जूता भी पड़ा हुआ है सामने, अगर ये नहीं थी तो कौन था। हम लोगों ने पूरा घर चेक किया, चची को भी यकीन आ गया कि इन लोगों को इतना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर फिर चची ने अपने रूम की लाइट ऑन कर दी, उनकी बेटी उनके पास ही सो गई उनकी तसल्ली के लिए कि मैं उनके रूम में ही सो जाती हूँ वरना ये वहम करती रहेगी। उसी रात की बात है, मेरी सिस्टर जो थी वो वॉशरूम में गई। वो कहती है, जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई हूँ, तकरीबन रात 1:45 का टाइम था, वो कहती है कि उसने, यानी हमारी कज़न का नाम मारिया था, कहती है मैंने मारिया को देखा है, मारिया पहले आधी सीढ़ियों से नीचे उतरी है, मैं उसके कपड़े और पाँव देख रही थी, तो मैंने जब टाइम देखा तो 1:45 का टाइम था, मैंने कहा मारिया क्या बात है, चची की तबीयत ठीक है? तो वो वहीं पर रुक गई है सारी, वो नीचे नहीं आई। उसने बिना मेरी बात का जवाब दिए वो फ़ौरन ऊपर चली गई है। तो जो मेरी बहन थी वो सीढ़ियों में गई है, ऊपर जाकर उसने देखा तो मारिया ऊपर से झाँक कर उसको देख रही थी, सारे बाल आगे किए हुए थे, आगे से उसका मजाक बनाने लग गई मारिया, उसकी नकलें उतारने लग गई, जैसे वो बोल रही थी से वैसे बोल रही थी। मेरी सिस्टर को बड़ा बुरा लगा, वो कमरे बोलती बोलती कमरे में आ गई। सुबह जब सब जागे तो मेरी बहन ने ये बात ऊपर जाकर चची को बताई, इसने रात को बड़ी बदतमीज़ी की है मेरे साथ, मैं इसे पूछ रही थी आपकी तबीयत ख़राब है, ये आगे से सीढ़ियों में से झांक रही थी और उल्टा मेरी बातों का मजाक बना रही थी। तो मारिया ने पूछा, किस टाइप की बात है, मैं तो रात को जागी थी, मैं तो अम्मी के साथ सो रही थी। मेरी बहन मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो कहती है मैंने खुद उसको देखा था, वही थी ऊपर से झांक रही थी, बाल भी खुले हुए थे, उसने अपने बाल देखा, उसने कहा कि मैंने तो कल सुबह से ये देखो अपने बाल बांधे हुए चुटकियाँ की हुई है, मैंने बाल खोले ही नहीं है, तो मैं कैसे हो सकती हूँ। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, अभी तो इस घर में आए इतने दिन भी नहीं हुए। अम्मी को भी ये बात बताई, अम्मी ने ये कहा कि बस तुम लोग सारी वहम करती हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसी दिन शाम मगरिब के बाद की बात है, ठंड बहुत ज़्यादा थी, मैंने चाय बनाई और मैं चाय बनाकर कमरे में लेकर गई। हम लोग अम्मी के कमरे में बैठे हुए थे, अभी अब्बू भी नहीं आए थे और भाई भी घर से बाहर ही थे, तो एकदम से हम लोगों का गेट लॉक हुआ। मैं फ़ौरन से उठी, बाहर जाकर पूछा तो बाहर बाकायदा मुझे महसूस हो रहा था कि बहुत आहिस्ता आवाज़ में कोई औरत है और ये कह रही है कि दरवाज़ा खोलो। हम मोहल्ले में इतना किसी को जानते नहीं थे अभी, तो मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने बाहर सर निकाल कर देखा, गली बिल्कुल खाली थी। एक सेकंड पहले वो औरत कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन बहुत आहिस्ता आवाज़ में थी, तो मुझे अजीब लगा। मैंने बाहर निकल कर साथ वालों का घर देखा, वो भी बिल्कुल बंद था, गेट खुला हुआ ही नहीं था, धुंध थी बहुत ज़्यादा गली में। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया मैं अंदर आई तो मैं क्या देखती हूँ कि हम लोगों के किचन में कोई औरत खड़ी हुई थी फ्रिज के पास। किचन की लाइट हम लोगों ने जलाई हुई थी, रात को सोने से पहले बंद करते थे। मुझे उसकी बैक साइड नज़र आई, उसने रेड शॉकिंग कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बाल खुले हुए थे। तो मैंने पूछा कौन है किचन में, क्योंकि वो मेरी बहन के ड्रेस का कलर नहीं था, मेरी बहन ने उस दिन येलो ड्रेस पहना हुआ था, अम्मी का भी वो कलर नहीं था। मैं उसको बाहर सहन से आती हुई मैं देख रही हूँ, किचन में एक विंडो थी, ग्लास विंडो थी, उसमें से वो नज़र आ रही थी, फ्रिज के पास खड़ी थी। मैं भागती हुई किचन में गई, जैसे मैं किचन में गई वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक सेकंड पहले मैंने वहाँ पर औरत को देखा, वहाँ पर नहीं थी। मैं बहुत डर गई, मैं चीखे मारने लग गई, चची भी आ गई, उनकी बेटी भी आ गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि पहले बाहर औरत की आवाज़ आई है, फिर किचन में आई है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, डर गए कि हमें इस घर में कोई नज़र आता है तो वो सामने नहीं आती। हम लोग अम्मी के कमरे में ही, हमने कहा कि जब तक अब्बू नहीं आते हम उधर ही रहेंगे। तकरीबन 12:30 बजे मेरे अब्बू भी घर आ गए, उन्हें भी सारी बात बताई, वो काफ़ी टायर्ड थे, तो वो कहते हैं कि सुबह इस बारे में बात करेंगे, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा वहम करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को।
मेरा भाई जो था उन लोगों ने ड्राइंग रूम में कंप्यूटर रखा हुआ था। मेरा भाई कंप्यूटर यूज़ कर रहा था तो एकदम से उसने चीखना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था। जब हम लोग कमरे में भागते हुए सारे बाहर निकले, क्योंकि सेहत बड़ा था तो जो ड्राइंग रूम था वो बिल्कुल वहाँ जहाँ से एंटर होते थे वहाँ पर वो ड्राइंग रूम था, वहाँ पर ही सारा वो सेटअप था उनका, इंटरनेट का भी, तो कंप्यूटर भी वहीं पर उसने रखा हुआ था। जब हम लोगों ने चीखों पुकार सुना तो हम लोग भागते हुए गए, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ थी और मेरा भाई ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ था और ये बार बार कह रहा था कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगी। हम लोगों ने लाइट्स ऑन की, उसको उठाया, उसकी गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे किसी ने नेल्स मारे थे, जैसे स्क्रैच आ जाता है वैसे उसकी गर्दन के ऊपर से ब्लड आ रहा था। तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, वो ये कहता है कि मैं इधर कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कमरे में जैसे कोई बिल्ली आई है, बिल्ली के बोलने की मुझे आवाज़ आई है। मैंने पलट कर देखा तो एक काले रंग की बिल्ली थी, वो बिल्कुल दरवाजे में बैठी हुई थी। तो मैंने बिल्ली को भगाकर दरवाज़ा जैसे थोड़ा सा बंद किया, मैं आके फिर कंप्यूटर पर बैठ गया। वो कहता है कि फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुला है और कुछ चलता हुआ अंदर आया है। मुझे लगा कि तुम लोगों में से कोई होगा, क्योंकि उसके जैसे चूड़ियों की या पायल की आवाज़ होती है, मैंने वो भी सुनी तो मुझे लगा कि शायद मेरी बहनें होगी। तो मैं मजाक करने लगे अपनी बहन के साथ कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया है, ऐसे तुम चुड़ैलों की तरह अंदर आई हो। अभी ये कहने की बात थी तो वो बिल्कुल मेरी चेयर के पीछे आई और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने उसका चेहरा देखा, वो एक बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई औरत थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था, जला हुआ चेहरा था, माथे के दरमियान में एक आँख थी, बहुत लंबी ज़ुबान थी जो बाहर निकली हुई थी मुँह से। उसने मुझे इतनी ज़ोर से चेयर से नीचे गिराया और वो मेरी गर्दन दबोच रही थी बुरी तरह, और एकदम से कमरे की लाइट ऑफ हो गई। अब जब मेरे भाई पर ये वार हुआ, हम तो बहुत डर गए। मेरे भाई को हम लोग उस रूम में लेकर आए, सारी रात हम लोगों के घर में से बिल्ली की भयानक आवाज़ें आती रही। कभी ऐसा लगता था बिल्ली हम लोगों के सेहत में है, और कभी ऐसा लगता था जैसे बिल्ली पंजे मार रही है हम लोगों के जिस कमरे में हम लोग थे उसके दरवाजे के ऊपर। फजर टाइम तक हम लोगों के घर में ये मामलात होते रहे। चची वगैरह भी ऊपर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, वो कहते थे कि हमें ऊपर से किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आती है, बकायदा कुछ चलता है, कोई दरवाज़ों को धकेलता है, अजीब आवाज़ें आती थी उस घर में से जब भी रात का टाइम होता था। फिर सुबह जब हुई तो हम लोगों ने महल्ले वालों से पूछा, जो अड़ोस पड़ोस में लोग थे महल्लेदार से पूछा, उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक स्कूल होता था। जब हमने वो घर लिया, ये आज से तकरीबन 13-14 साल पहले की बात है, और उससे पहले 10 साल वहाँ पर कोई स्कूल होता था, यानी तकरीबन वो स्कूल बहुत पुराना था और बंद था। उनका ये कहना है कि यहाँ पर स्कूल था, 8th क्लास तक गर्ल्स स्कूल था, यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत अजीबोगरीब वाकयात होते थे, यहाँ पर एक कटे सर वाली औरत नज़र आती है, वो चुड़ैल है, उसका यहाँ पर बसेरा है, उस चुड़ैल की पूरी यहाँ पर फैमिली है और वो लड़कियों को नुकसान पहुँचाती थी, लड़कियाँ यहाँ पर आए दिन बेहोश हो जाती थी। वहाँ पर उस मोहल्ले की लड़कियाँ भी पढ़ती थी और वो ये कहती है कि उसका नीचे वाले पोर्शन में उसका बहुत ज़्यादा बसेरा है, बिल्लियाँ भी नज़र आती थी और वहाँ पर कुछ औरतें भी नज़र आती थी। एक औरत ऐसी नज़र आती थी जिसका सर कटा हुआ होता था, लड़कियों ने खुद उसको देखा, बाथरूम में देखा या स्टेयर्स में देखा। अक्सर वहाँ पर लोगों ने हमें जब ये बातें बताई हम लोग तो बहुत डर गए। हम लोगों ने भी उन्हें बताया कि हम लोगों के साथ भी अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। उन लोगों ने ये कहा कि जितनी जल्दी होता है आप लोग ये घर छोड़ दें, वरना आप लोगों को यहाँ पर जानी नुकसान भी हो सकता है। उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर एक वॉचमैन था, उसकी फैमिली आई थी यहाँ पर, वो लोग बाद में जब ये स्कूल छोड़ने की बात हुई तो लोगों ने रात के लिए यहाँ पर भी वॉचमैन को रख लिया, तो वॉचमैन की जो मिसेस थी उसकी डेथ हो गई थी। वो सेकंड फ्लोर के बाथरूम से मिली थी जबकि वो लोग नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे फर्स्ट फ्लोर पर, तो फिर ये जगह तब की बंद पड़ी है, खाली है। हम लोग तो बहुत डर गए। जब घर वापस आए, अब्बू को भी सारी बातों का पता चला, हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये घर छोड़ देंगे। चाचू ने अब्बू ने मिलकर फिर घर ढूंढना शुरू कर दिया। चाचू कहते हैं कि एक से दो दफ़ा उन्होंने सेकंड फ्लोर पर, उनका एक वॉशरूम होता था बाहर शहर में जहाँ से
थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों ऊपर जाती थी, वहाँ पर एक वॉशरूम होता था। वो कहती है उस वॉशरूम का दरवाज़ा हम लोग बंद रखते थे, जब भी बंद करते थे थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा फुल खुला होता था। एक रात चाचू कहते हैं कि मैं जब वापस आया काम से 12:30 बजे का टाइम था, तो अपने पोर्शन में जैसे ही ऊपर आया तो मुझे बकायदा महसूस हुआ कि वॉशरूम में कोई खड़ा है। वो कहते हैं जैसे ही मैं गौर करके देखने लगा तो कोई औरत थी, उसका धड़ नज़र आ रहा था, सर नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद अंधेरे की वजह से रोशनी सिर्फ इतनी जा रही है कि वो मुझे कंप्लीट नज़र नहीं कोई आ रहा। वो अपनी बेटी को आवाज़ देने लगे तो मेरी चाची और उनकी बेटी कमरे में थी। तो वो कहते हैं जैसे मैंने दोबारा पलट कर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। ये बात उन्होंने हमें तब नहीं बताई थी कि ये लोग खौफजदा हो जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन जब मेरे भाई के साथ वो इंसिडेंट हुआ, उनकी मिसेज बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई, चची अक्सर कहती थी कि मुझे कमरे में कोई सोने नहीं देता, मैं जब भी कमरे में अकेली होती हूँ इस कमरे में कोई आ जाता है और वो चलती फिरती है मेरे इर्द गिर्द, जब मैं गुस्सा करती हूँ तो वो बाकायदा महसूस होता है कि कोई कमरे से बाहर गया है। मेरी कज़न अकेली सोती थी, वो भी ये कहती थी कि मुझे बाकायदा रात को ऐसा लगता है कि मेरे बेड के ऊपर जैसे कोई और भी होता है, कोई करवट बदलता है तो बेड की एक आवाज़ आती है, मेरी आँख खुलती है तो कोई नहीं होता। फिर सब ने ये बातें बताई, हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हुआ हुआ था। फिर हम लोगों ने वो घर 1 महीने से पहले ही छोड़ दिया, बहुत डरावना वो घर था। तब हम लोगों को ये चीज़ें महसूस हुई नहीं जब हम लोग वो घर देखने आए थे, हमें ये लगा था कि शायद काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है तो इसलिए इतना ये गंदा और ख़राब हुआ है, हम लोग सफाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। मे बी हम लोग उनको प्रवोक करते, वहाँ से निकालने की कोशिश करते तो शायद वो हमें नुकसान देती, क्योंकि वो जो वॉचमैन था उसकी और उसकी मिसेज ने वहाँ पर कुछ किसी आबिल के तावीज़ लगाए थे, इसीलिए उन्होंने उसकी मिसेज को भी इस तरह से नुकसान दिया। तो ये हमारी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया एनी आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फरहान असर शेयर कर रहे हैं। फरहान कहते हैं आज आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई है। वो कहते हैं कि एक दफ़ा की बात है, हम लोग सारे दोस्त जो थे, हम लोगों की कुछ ट्रेनिंग थी, उससे हम लोग फ्री हुए तो हम लोगों को नेक्स्ट डे छुट्टी थी। हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग सब मिलकर मरी जाते हैं, मरी विज़िट करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं सारा दिन। हम लोगों ने प्लान किया तो हम लोगों का वो प्लान बन गया और हम लोग मरी चले गए। वहाँ से वापस आते आते हम लोगों को शाम हो गई। हम जिस रास्ते से आ रहे थे, हम लोग 3 दोस्त थे, हम लोगों ने देखा एक रोड कॉर्नर पर एक औरत और उसके साथ एक बच्चा खड़ा हुआ था। उस बच्चे ने बाकायदा स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बिल्कुल वो सड़क के बाउंड्री पर खड़े हुए थे। हम लोगों ने जब उन्हें देखा तो एकदम से हमारी नज़र पड़ी कि ये बिल्कुल ऐसे वीरान से रास्ते पर ये लोग क्यों खड़े हुए हैं। और हैरत की बात ये थी, उनके बिल्कुल करीब से गाड़ियाँ गुजर रही थी, वो लोग पीछे नहीं हटते थे ना उनको रुकने का इशारा कर रहे थे। हम लोगों ने जब उन लोगों को देखा कि ये लोग कौन है और इस तरह से ये क्यों जैसे बुत बनकर खड़े हुए हैं, कोई इन पर असर नहीं हो रहा, इतनी तेज़ी से इनके पास से ट्रैफिक गुजर रही है, गाड़ियाँ गुजर रही है और ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ना आगे हो रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं, तो हम लोगों के दोस्त ने कहा कि चलो इनके पास जाकर पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से ये चीज़ नोटिस कर रहे थे। उस रोड के ऊपर जब हम लोग आ रहे थे तो उनको देख कर ही हम लोगों ने गाड़ी रोकी कि पता नहीं ये लोग कौन है इतनी रात को यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जो जिस कंडीशन में वो लोग खड़े थे कि दो गाड़ियाँ उनके बिल्कुल आगे से गुजर के गई और वो लोग पीछे नहीं हटे, तो जब हम लोग थोड़े से उनके करीब गए, गाड़ी जाकर उनके पास रोकी, तो जो उनके चेहरे थे वो इतने भयानक थे, उनके मुंह थोड़े से खुले हुए थे और जो उनकी आंखें थी वो बिल्कुल वाइट थी, उनमें आई बॉल नहीं था, आई बॉल भी वाइट था। उनके चेहरे बहुत खौफनाक थे और वो अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। इतने भयानक चेहरे देखने की देर थी, हम लोगों ने इतनी तेज़ गाड़ी दौड़ाई कि हम लोगों ने पिंडी आकर सांस लिया। वो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थे, हम लोगों का एक दोस्त था उसको बहुत सख्त बुखार हो गया, एकदम से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब हम लोगों को आइडिया हुआ कि हम लोगों ने वो जो वहाँ पर औरत और बच्चा देखे थे वो कोई इंसान नहीं थे, वो गैर बनी मखलूकात थे,
जो उस वक्त वहाँ पर उन्होंने अपना आप जाहिर किया। पता नहीं वो जो बाकी गाड़ियों वाले थे उनको वो नज़र नहीं आ रहे थे, या उन्होंने उनको नोटिस नहीं किया, या सिर्फ वो हम लोग उनको देख पा रहे थे। जो भी था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली मखलूक को वहाँ पर देखा, वहाँ पर बरी रोड पर। ये एक स्टोरी थी जो फरहान असर ने यूएई से शेयर की। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ आज से 15 साल पुरानी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव था तो वहाँ पर एक बहुत कदीम और पुरानी मस्जिद बनी हुई थी। लोग ये कहते हैं कि वो जो मस्जिद थी वो लकड़ी की मस्जिद बनी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मस्जिद जो थी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल हो गई। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि अल्लाह ना करे मस्जिद को कोई नुकसान भी हो सकता था। तो वहाँ के लोगों ने, पंचायत ने फैसला किया कि हम लोग इस मस्जिद को शहीद करके तो यहाँ पर एक नई मस्जिद बनाते हैं, ताकि वो मज़बूत भी होगी और लोग वहाँ पर नमाज भी अदा कर सकेंगे। वो लोग कहते हैं कि जिस जगह पर हम लोगों ने मस्जिद की तामीर शुरू करवाई, जहाँ पर वो सारा वो लोग बैठ कर जैसे इज्तमा सा होता है, वहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोगों ने बाकायदा दरिये बिछाई, चादरें बिछाई, कि सबकी रजामंदी के साथ हम लोग ये स्टेप लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक वर्कर था, जब सारे लोग चले गए तो वो उसी मस्जिद में से चादरें और दरिये तय करके रख रहा था। वो कहते हैं कि मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल मेरे करीब बैठकर कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मैंने बहुत ऊंची आवाज़ में मैंने वो जिक्र सुना, पूरी मस्जिद में छान मारा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। उसने ये बात वहाँ के लोगों को भी बताई, मस्जिद इंतज़ामिया को भी बताई, तो उनका ये कहना था कि नहीं तुम्हें वहम हुआ होगा। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी बात। नई मस्जिद की तामीर शुरू हो गई, बुनियाद रख दी गई। तो वहाँ के एक आदमी थे जो वहाँ पर ये काम वगैरह करवा रहे थे, वो भी थे और उनके साथ एक बुज़ुर्ग भी थे। वो कहते हैं कि इमाम साहब वहाँ के, वो कहते हैं कि जब हम लोग एकदम से मस्जिद का वो विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक बुज़ुर्ग को देखा। सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, सफ़ेदी लिबास पहना हुआ था, बहुत दुरानी चेहरा था। वो बुज़ुर्ग उनको उसी जगह पर चलते फिरते नज़र आए, आज से पहले उन्होंने उन बुज़ुर्ग को नहीं देखा था। वो बुज़ुर्ग चलते चलते एक कॉर्नर में एक कब्र होती थी, उस कब्र के पास गए और गायब हो गए। जब वो बुज़ुर्ग गायब हुए तो वो जो आदमी थे उन्होंने इस बात को नोटिस कर लिया। उन्होंने ये बात इमाम साहब को बताई कि मैंने भी यहाँ पर एक बुज़ुर्ग को देखा है, वो मस्जिद के बैक साइड पर एक हुजरा था, वहाँ पर एक कब्र भी थी। वो कहते हैं कि मैंने उस कब्र के पास उन बुज़ुर्ग को जाते देखा है। फिर वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह की, ख्वाब उनको वो बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने ये कहा कि आप लोग मस्जिद बना रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं आप यहाँ पर नई मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद की तामीर के दौरान जब आप खुदाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और कब्र भी मिलेगी। वो उनके भाई की कब्र थी, बहुत नेक बुज़ुर्ग थे वो, उन दोनों भाइयों की वहीं पर कब्र थी। एक भाई की कब्र के बारे में लोगों को पता था, लेकिन जो दूसरे बुज़ुर्ग थे उनकी कब्र के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर वो इमाम साहब जो थे उन्होंने ये बात सबके साथ शेयर की। तो जब सबसे पहले उस जगह पर जाकर खुदाई की गई तो वहाँ से एक और कब्र बरामद हुई, वो जो दूसरे नेक बुज़ुर्ग थे उनकी थी। वो कहते हैं फिर उन दोनों कब्रों की हिफाजत की गई, बाकी मस्जिद का हिस्सा तामीर किया गया। उसके बाद वो नेक बुज़ुर्ग कभी भी दोबारा वहाँ पर नज़र नहीं आए। जिस शख्स ने अल्लाह का जिक्र करते हुए किसी को सुना था, उसका ये कहना था कि ये वही नेक बुज़ुर्ग थे जो उस वक्त वहाँ पर हाजिर थे और अल्लाह का जिक्र अस्कार कर रहे थे। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी roshirvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को विज़िट किया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में और हॉरर उर्दू सेंटर पर भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह के बाद।